हो जाए, वो किसी की मोहताज ना रहे, उसके दिन अच्छे हो जाए। हुजूर ने फरमाया कि वो क्या करे, हर रोज रात को सूरह वाकया पढ़कर सोया करे। पहली आयत में उन्होंने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बयान करते हैं, हुजूर ने फरमाया सूरह वाकया पढ़कर सोया करो। अब देखिए इस हदीस में जो है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अपनी लड़कियों को क्या किया, सूरह वाकया। हाफिज़ इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर जो है वो बयान किया कि जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ुल मौत में मुब्तला हुए, बीमार हुए और आखिरी जिंदगी के सांस थे, लम्हात थे, तो उस वक्त वो जो दौर था वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो इस हदीस के रावी हैं कि हुजूर ने फरमाया कि जो है वो रात को सूरह वाकया पढ़कर सोया करो और ये फकर को दूर करती है, फाका को दूर करती है, ये आदमी को गनी कर देती है, इंसान को दुनिया में किसी का मोहताज नहीं बनाती। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उनको वो जब बीमार हो गए तो मौत का वक्त करीब आ गया, सख्त तकलीफ में थे, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की इयादत के लिए अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। और हजरत उस्मान गनी चूंकि खलीफतुल मुस्लिमीन थे और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तो वो सहाबी रसूल थे कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के मुफस्सिर कुरान थे, नबी पाक की बारगाह के मुफस्सिर थे और हुजूर अलैहि नबी अलैहि सलातो वसलाम ने उनको दुआ दी थी कुरान के इल्म की। तो जब वो बीमार हुए, बिल्कुल मर्ज़े मौत में थे, उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला उनकी इयादत के लिए आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके सराहने खड़े हुए तो आपने उनसे फरमाया मा तश्तकी, आपको क्या तकलीफ है। हजरत उस्मान ने उनसे क्या, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से सवाल किया कि आपको क्या तकलीफ है। देखें जो अल्लाह वाले होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो मेरे नबी की आगोश में के परवरदा हैं, जिन सहाबा ने नबी पाक की बारगाह में तरबियत पाई है, तो वो कभी अपनी तकलीफ को जाहिर नहीं करते थे और अपनी तकलीफ पर हरफ़ शिकवा नहीं लाते थे। हजरत कहते हैं कि उस हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद शदीद तकलीफ के अंदर मर्ज़े मौत में मुब्तला है, करीब मर्ग है और इतनी तकलीफ है कि हर एक को उनकी तकलीफ नजर आ रही है। तो हजरत उस्मान गनी उनका जो अमीरुल मोमिनीन थे खलीफतुल मुस्लिमीन थे जब उनकी इयादत के लिए आए तो आपने फरमाया मा तश्तकी, ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद आपको क्या तकलीफ है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जवाब में यह नहीं कहा कि मेरे जिस्म दर्द कर रहा है, यह नहीं कहा मेरा सर दर्द कर रहा है, यह नहीं कहा मेरा दिल बंद हो रहा है, ये नहीं कहा कि मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है, ये नहीं कहा कि मेरी शुगर हाई है, ये नहीं कहा कि मैं माजूर हो गया हूं, ये नहीं कहा कि मुझे जिस्म में फला तकलीफ है। अल्लाह अकबर, उन्होंने जो जवाब दिया ना वो तारीख है इंसानियत में उसको लिखा है। हजरत उस्मान ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जब कहा ना मा तश्तकी, आपको क्या तकलीफ है जो आप इस हाल में कि आप इस वक्त मर्ज़े मौत में जा रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब दिया जुनूबी, मुझे तकलीफ सिर्फ अपने गुनाहों की है, मुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं कि ना जाने ये गुनाह इनकी माफी मिलेगी या कि नहीं, क्या पता इन गुनाहों की वजह से मुझे जहन्नम में ना डाल दिया जाए, इन गुनाहों की वजह से मुझे जो है वो मेरी बख्शिश ना हो सके। तो मुझे इस वक्त अपने जिस्म की बीमारी की तकलीफ नहीं, सर की तकलीफ नहीं, हाथों की तकलीफ याद नहीं, दिल की तकलीफ याद नहीं, जिस्म की तकलीफ याद नहीं, इस वक्त मुझे जो तकलीफ है वो सिर्फ ये है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे अपने गुनाह याद आ रहे हैं, यही बात इस वक्त मुझे जो है वो परेशान कर रही है। तो हजरत उस्मान गनी ने उनको दुआ दी कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ करे। कहते हैं कि फिर हजरत उस्मान गनी ने उनसे दूसरा सवाल किया, वो फरमाया कि मा तश्तही, अच्छा आप इस वक्त मर्ज़े मौत में मुब्तला हैं और तकलीफ में हैं, तो मा तश्तही आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है इस वक्त,
अगर आपके दिल की कोई ख्वाहिश है तो मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, रसूलुल्लाह का नायब हूं, मैं इस वक्त आपके घर पर आया हूं, और आपके दिल की कोई भी ख्वाहिश हो तो आप इस टाइम मेरे सामने उसको अर्ज कर दें, और इंशाअल्लाह मैं आपकी उस ख्वाहिश को मुसलमानों का हाकिम होने की हैसियत से पूरा कर लूंगा, खलीफतुल मुस्लिमीन होने की हैसियत से आपकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु मुझे बताएं कि हम में से कोई होता तो मुल्क का सरबरा अगर उसे कहे कि कोई दिल की ख्वाहिश हो तो बताओ, तो असं अपने मुतालबात रख दे, अस एक कम चाहिए, साड़ी ए रोड चाहिए, साड़ी ए चाहिए, असं मुतालबात रख दे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सवाल कर रहे हैं, पहला सवाल किया कि मा तश्ता की, आपको क्या तकलीफ है, तो आपने जवाब दिया जुनूबी, मुझे सिर्फ अपने गुनाह याद आ रहे हैं, गुनाहों की तकलीफ है, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और दूसरा सवाल क्या कि मा तश्ता ही, इस मर्ज मौत में आपकी ख्वाहिश क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने